you <laughs> Yes, we will. Hello. कैसी रही आज पढ़ाई कैसी रही आज पढ़ाई यार मुझे बताओ कि पढ़ाई कैसी रही आज सबसे पहले मुझे बोल दो बहुत ज्यादा ही भयंकर पढ़ाई हुई तो मैं बहुत ही ज्यादा भयंकर पढ़ाऊंगा आज मुझे बताओ कि आज सेल्फ स्टडी कैसी हुई पढ़ाई कैसी हुई आज मस्त बढ़िया जबरदस्त क्या बात है That's the अल्टीरियर ऑब्जेक्टिव यार नोटिफिकेशन साउंड आपके लिए बंद कर देंगे यार गुस्सा क्यों करते हो आप गुस्सा नहीं करने का गुस्सा नहीं करने का चलिए अगर आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही है तो आज का सेशन भी बहुत जबरदस्त होगा बस देखते जाओ सर तो आप दिखाई नहीं दे रहे हाँ मैन इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता रुको लेट एवरी गुस्सा नहीं की सलोनी जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप अरे यारो बहुत बहुत आभार बच्चों का बट फोकस रहना चाहिए आज वापस पावर प्ले कुछ ना कुछ परेशानी आती है कभी कभी यारो बट आज फोड़ेंगे हम लोग हम फोड़ देंगे यारो अरे ना रुकेंगे हम ना झुकेंगे हम bus Okay Shelly Yes people Yes people Yes people, hello, people. hello I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. चलिए तो आशा करता हूं मैं कि आप लोग एकदम तूफान है एकदम मजे में यार हूं और हम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हैं हमारा आज का टारगेट फटाफट से बात कर लेते हैं हमारा आज का टारगेट है ये ठीक है ना ये मैंने आपको बताया था ये दो दिन में ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं ठीक है हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पर वापस बता देता हूं यारो ये जो टॉपिक है रुको 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 लेटमी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग हेलो आई और हम फिर मिल गए हैं पर आज का उद्देश्य हमारा बड़ा ही पाक है बहुत ही प्यारे उद्देश्य के साथ मिले और आपको दीवाना कर देंगे इस सेशन से 100 आज का बहुत मस्ती में। हमें क्या करना है हमें टॉपिक्स दो दिन में कंप्लीट करना है ये सारे टॉपिक्स क्वालिफाइडिविजल बायर फॉरपुटफुलर एआईएफ एंकर वॉरेंट रीड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ज डेड इंट्रूमेंट म्यूनिसपल बॉन्ड बुक बिल्डिंग आब्बा एस सेट बैंक मार्जिन और मैं कोशिश करूंगा कि यही भी मैं डिस्कस कर दू डेंस बिटवीन होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अदरवाइज लास्ट के क्विक रिवेशन में हो जाएगा सो दैट इज दब्जेक्टिव टू डेज मेरी बात को अच्छे समझना ये जो दो दिन के सेशन हो वाले हैं ये जो दो दिन के सेशन हो रहे हैं आपके तो लिए बिकॉज इनका एग्जाम है आप एवरेज समझते हो बेटा जी आप एवरेज समझते हो ना वैसे तो हमें सब कुछ ही पढ़ना होता है वैसे तो हमें सब कुछ पढ़ना होता है यार छोटा कुछ भी नहीं होता एट अ प्रोफेशनल लेवल लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन एट अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में लेकिन यारो कैसा होता है कि हमें एक एवरेज जैसे कि भाई साहब सब बैठने अच्छे थे बट सहवाग का एक अलग आनंद था तो सहवाग में क्या था सहवाग का एवरेज बहुत भारी था तो बस ये समझ लो कि इन टॉपिक्स का एग्जाम में आने का एवरेज उतना ही खास सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है हंड्रेड बट इन टॉपिक्स का एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है तो 100% फोकस के साथ यहां है हम लोग बैक टू बैक पढ़ेंगे पावर है सांस का समय नहीं मिलेगा मैं खुद 1.5 पे पढ़ाने वाला हूं, राइट तो जो बच्चे बाद में देखने वाले हैं स्पीड बढ़ाने का सोच रहे हैं रुक जाओ थम जाओ थोड़ा मेरे साथ पढ़ लो फिर जरूरत लगती तो बढ़ाना ओके चलिए शुरू करके आरोप शुरू करेंगे ये हमारे न्यू सिलेबस के पूरे पार्ट बी के सारे के सारे टॉपिक्स हैं राइट तो पार्ट बी में इसके अलावा भी टॉपिक्स हैं तो मेरा इंटेंशन क्या है ये पार्ट बी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो ये हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे दो दिन में राइट इन अ पावर प्ले manner एंड देयर आफ्टर पावर प्ले का जो लास्ट ओवर होता है उस तरह से मेरी इच्छा तो ये है कि मैं पार्ट बी के सारे टॉपिक्स का

क्वालिफाइड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर बायर आ जाओ यहां पे नहीं 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 यस चलिए आपके चैप्टर फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ये यहाँ पे सारे टॉपिक्स डिवाइडेड हैं और फिर उनके एडिशनल टॉपिक्स भी हैं राइट हर एक टॉपिक के हर एक चैप्टर के ऐसे एडिशनल टॉपिक्स भी हैं हम लोग हिट करें डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 16 में होना चाहिए 15 यस हियर इट इज सो द फर्स्ट टॉपिक द फर्स्ट टॉपिक इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 100% फोकस यहां पे रखना सिंपल देखो बेटा जी इस टॉपिक का बेस कहां से जाता है 100% फोकस स्क्रीन पे अब आप बच्चों ने क्या कर लेना है अपने मोबाइल को इस तरह से रख लीजिए कमेंट ऑफ करके 100% फोकस ऑन द स्क्रीन 100% फोकस ऑन द स्क्रीन मैं लेक्चर शुरू करने के पहले दो चीजों के अपडेट दे देता हूं रखना कोई भी चीज अगर मुझे आपको कहनी होती है तो मैं किस माध्यम से कहता हूं दैर अ चैनल ऑन टेलीग्राम उसके माध्यम से मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं ठीक है तो कोई भी चीज मुझे आपको कहनी होगी तो टेलीग्राम के माध्यम से बताऊंगा दूसरी चीज कोई बात अगर पूछ रहे नोट नोट टेलीग्राम पे तो है ही सही साथ मैंने कल आपको बताया था सिंपल वेबसाइट पर जाना है डॉट उसमें आपको फ्री रिसोर्स का एक ऑप्शन दिखेगा फ्री रिसोर्स के ऑप्शन में एक्सिक्यूटिव दिखेगा नीचे इंपॉर्टेंट ड्राइव लिंक का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करो उसमें सारे नोट्स हैं जो मॉड्यूल के एडिशनल टॉपिक्स आए थे सारे उन एडिशनल टॉपिक्स के नोट्स भी और एडिशनल टॉपिक्स के लेक्चर्स भी है सिक्योरिटी लॉ में जाना उसमें एडिशनल टॉपिक्स मिलेगा एडिशनल टॉपिक्स के अंदर सारे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो मॉड्यूल में एडिशनल टॉपिक्स आते हैं उनके तो वो सब चीजें वहां पर है वहां पर आपको मस्ती में मिल जाएगा नोट सारे मिल जाएंगे और एडिशनल टॉपिक्स के शायद लेक्चर्स भी मिल जाएंगे चलिए शायद नहीं एडिशनल टॉपिक्स के सिक्योरिटी लॉ में लेक्चर्स भी मिल जाएंगे फोकस हंड्रेड परसेंट यहां पे सो नाउ विदाउट एनीथिंग अब मोबाइल को ऐसे रख लो कमेंट्स ऑफ करके पूरा फोकस ऑन आई एम स्पीकिंग एज दी टारगेट इज पावर प्ले एक मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होने दूंगा सो विदाउट वेस्टिंग टाइम द फर्स्ट टॉपिक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल बायर बायर क्वालिफाइड का इंस्टीट्यूशनल्ट कहां से आता है आपने अगर अपने आईसीडीआर की शुरुआत में पढ़ा होगा इशू ऑफ सिक्योरिटीज मैं आपको थोड़ा सा बेस देता हूं फुल स्पीड में बेस दिए मैंने पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा फोकस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर कहां पे आता है आपने इसको पढ़ा होगा आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर आईसीडीआर में आप शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इशू से फोकस करना टाइप्स ऑफ इशू से में आप शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ इश्यू से आपने पे पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ इशू उसमें आपका पब्लिक इशू फिर आपका समझो राइट इश्यू फिर आपका समझो बोनस इश्यू और यहां पे आपका आ जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट राइट right? कि कितने प्रकार से इश्यू ऑफ सिक्योरिटी कर सकते हैं तो इश्यू ऑफ सिक्योरिटी पब्लिक इशू के माध्यम से करते हैं इसमें फर्दर आपका आईपीओ और एफपीओ आ जाता है राइट फर्दर राइट इशू करते हो फिर आप बोनस इशू करते हो याद होगा आई डोंट थिंक मुझे यह सब आपको बताने की कोई भी आवश्यकता है पब्लिक इशू बहुत बेसिक एकदम फाउंडेशन के बच्चे से बात करता हूं यू मीन पब्लिक इशू राइट इशू बोनस इशू तो वेन द शेयर कंसिडरेशन शेयर आर इश्यू टू पब्लिक फॉर कंसिडरेशन दैट इज नोन एज पब्लिक इशू शेयर आर इश्यू टू पब्लिक फॉर कंसिडरेशन पब्लिक इशू शेयर्स आर इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फॉर कंसिडरेशन राइट इशू शेयर आर नॉट इशू टू पब्लिक शेयर आर ओनली इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बट फॉर कंसिडरेशन राइट इशू वही इफ द शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बट फॉर फ्री बट फॉर फ्री दैट इज राइट बोनस इश्यू तो पब्लिक इश्यू राइट इश्यू बोनस इश्यू मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं मुझे पता है, आपको पता है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद है प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आपने यहां पे पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए आप अगर मान लीजिए आप किसी भी सिलेक्टेड किसी भी आप सिलेक्टेड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को शेयर्स देते हैं तो वो प्रेफरेंशियल इशू आता है यहां पर आपने कैटेगरी पढ़ी होगी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट की 100 परसेंट फोकस करना यहां पे आपने टॉपिक पढ़ा होगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट का व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वहां से टॉपिक आता है क्यूआईबी का मतलब क्यूआईबी में आपको क्यों पढ़ा रहा हूं वो बता रहा हूं व्हाट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट व्हेनेवर अ लिस्टेड कंपनी व्हेनेवर लिस्टेड कंपनी इज इशूइंग सिक्योरिटी ज इश्यूंग सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस मतलब वो पब्लिक इशू नहीं कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे वेन एवर लिस्टेड कंपनीइंग सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर दिस कंसेप्ट इज नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेमेंट सो वॉट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूनल प्लेमेंट फर्स्ट कंसेप्टे नल लिस्टेड कंपनी इज इशुइंग सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय तो यहां पे सवाल आता है कि कि कौन होते हैं इसको ले इनको ले आपने हर जगह अलग-अलग पढ़ा होगा कि जो qualified institutional उनके साथ ऐसा होगा उनके लिए ये रिजर्वेशन है अलग अलग तो इनके लिए प्रोविजन भी आपने अलग पढ़ा होगा 100% focus on the screen. Qualified institutional buyer के अंदर स्पेसिफिक तरीके से 13 पॉइंट्स कवर होते हैं थर्टीन पीपल आर इंक्लूड इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर जैसे कि आप देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे करके थर्टीन पीपल आर इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर यह थर्टीन पॉइंट आपको याद होने चाहिए हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द स्क्रीन आ जाफाइड इंस्टीट्यूशनल बैर हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन स्क्रीन वट आर दीज थर्टीन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट अ म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल फंड, ऑल्टर इन्वेस्टमेंट फंड एंड फॉरन वेंचर कैपिटल फंडेबस में पढ़ा है, fund, हाँ ये भी हमने सुना हुआ है जैसे कि हम चैप्टर बी फिफ्टीन पार्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते ना तो आप कुछ वेंचर कैपिटल फंड पढ़े हैं कुछ वेंचर कैपिटल फंड पढ़े ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो तो टॉपिक ही एक फॉरेन वेंचर कैपिटल सिलेबस से निकल चुका है बट फिर भी हाँ।

नेक्स्ट शेड्यूल कमर्शियल बैंक ये दो ऐसे पॉइंट है जो जीवन में आपका पीछा नहीं छोड़ रहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेड्यूल कमर्शियल बैंक हर टॉपिक में आ जाते हैं नेक्स्ट सुनना अब मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये वो पॉइंट है जो आप भूल जाओगे मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भूल जाओगे नेक्स्ट स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये आपने वापस 15 चैप्टर में पढ़ा होगा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद आईआरडीए इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स इंश्योरेंस फंड एंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तीन पॉइंट इंश्योरेंस के इजी है प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ ट्वेंटी फाइव करोडी फाइव करो प्रोविडेंट मिनिमम कॉर्पस ऑफ ट्वेंटी फाइव करो पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ ट्वेंटी फाइव करो तो ये भी दोनों साथ में आ जाते हैं उसके बाद में एक नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड मेंटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी आप भूल जाओगे एंड लास्ट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी चलो ये भी आप भूल जाओगे तो मेरा कहना है कि इन 13 points में से पॉइंट है जो आप भूल जाओगे आप भूल जाओगे मल्टीलेटर बायलेटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आप भूल जाओगे नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप भूल जाओगे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी और आप भूल जाओगे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये चार आप भूल जाओगे बाकी आपको याद रहेंगे जैसे कि पहले दो पॉइंट है वह भूल ही नहीं सकते म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल फंड आपका ए आई एफ बोलो फॉरन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर ये नहीं भूल सकते पॉइंट टू भी आप नहीं भूल सकते फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर बिकॉज सिलेबस का पार्ट है ना फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी वन एंड टू या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर अर कैटेगरी थ्री नहीं भूलोगे नेक्स्ट दो पॉइंट तो लाइफ में आपको पीछे नहीं छोड़ रहे सुनना ध्यान से कौन सा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक नहीं भूलोगे तीन इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस कंपनी सेटअप एंड सेटअप अंडर uh, आई आर डी ए इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंश्योरेंस फंड सेटअप एंड मैनेज बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स ये भी नहीं बोलोगे इंश्योरेंस फंड के तीन उसके बाद में क्या हो गया उसके बाद में वापस कॉमन वाले हाँ पच्चीस करोड़ वाले प्रोविन्ट फंड प्रोविडेंट फंडिम फंड 25 ट्वेंटी एंड पेंशन फंड मिनिमम कॉर्पस ऑफ ट्वेंटी अरे बोल ही नहीं सकते राइट इंटर बार क्वालिफाइड बारायन पॉइंट देखो क्या लिखा है देखो क्या लिखा है जो चार पॉइंट आप भूल जाओगे ना वो मैंने लिखे हैं इस तरफ और जो सारे आप आराम से याद रख लोगे मैंने, मैंने लिखे हैं इस तरफ यू मीन बाफाइडीट्यूशन प्लेसमेंट लिस्टेड एडपनी सिक्योरिटी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस टू क्वालिफाइड बायर दैट इज नोन एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है अच्छी बात है आपको याद होना चाहिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मंजे का है? मतलब क्या म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल फंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड

नेवी पानी से जा जारी एयर फोर्स एयर से जा रही है तो इंश्योरेंस फंड मैनेज सेटेमेड मेनेज बाई आस उसके बाद में इंश्योरेंस फंड फंडेमें मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट उसके बाद पच्चीस करोड़ वाले दो पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पोर्स ट्वेंटी फाइव करोड़ प्रोविडेंट फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ ट्वेंटी फाइव करोर उसके बाद में उसके बाद में ये जो चार पॉइंट हमेशा भूल जाओगे मल्टीलेटल एंड बायोलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसके बाद में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसके बाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड लास्ट वन सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। भले ही पावर प्ले है भले ही पावर प्ले है सेकंड का गैप ले रहा हूं ये सारे अकेले बोल के बताओ बोलते पॉइंट्स देखो पहले दो पॉइंट के हैं। दूसरे दो पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। तीन पॉइंट इंश्योरेंस वाले दो करोड़ वाले ये चार भूल जाओगे मैं भूल जाओगे फाइनेंट्यूशन मल्टीलेटलिट्रल फाइनेंशियल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड एंड लास्ट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी से बोलो फटाफट से बोलो 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 बोलो, बोलो। च्छु, मैं च्छु।

यस पीपल चलिए यहां पे आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है क्या डाउट आ सकता है कि सर हाँ ठीक है ये मैंने मॉड्यूल से ओपन करे मॉड्यूल में यही सारे थर्टी पॉइंट परसेंट फोकस आप हंड्रेड परसेंट फोकस आपके आपके थर्टीन पॉइंट्स आ गए सुना मेरी बात को ये पॉइंट जब तक मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है तब तक मैं ऐसा ही पढ़ा रहा हूं जब तक मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ है तब तक मैं ऐसा ही पढ़ाने वाला हूं आई होप योर अंडरस्टैंडिंग ठीक है आगे मैं फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी पढ़ाऊंगा तो तब पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉरफुलवेस्टर में बता दूंगा कि उसमें कैटेगरीज में क्या चेंज है लेकिन जब तक मॉड्यूल में ऐसा लिखा है मैं ऐसा ही बताऊंगा सिक्योरिटीज लॉ का मैं अमेंडमेंट लेक्चर भी लेने वाला हूं अगर उसमें आईसीएसआई ने बताया होगा चेंज करना है तो करवा दूंगा अदरवाइज अभी तक भी आपके सामने मैंने आईसीएसआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है अभी उन्होंने क्या लिख रहा है फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन कैटेगरी थ्री पोर्टफोलियो इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी तो जब तक उन्होंने ऐसा लिखा है हम लोग इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे

Uh, सबसे पहले पॉइंट में आ गया म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल फंड उसके बाद में ए आएफ उसके बाद फॉरन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर उसके आगे नीचे दूसरा पॉइंट ये भी सिलेबस का बारे फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अदर देन कैटेगरी थ्री नेक्स्ट में आए दो पॉइंट जो पीछा ही नहीं छोड़ रहे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक कमर्शल उसके बाद में तीन इंश्योरेंस वाले इंश्योरेंस कंपनी अंडर आई इंश्योरेंस फंड सेट एंड मैनेज बाय आर्मी नेवी एयरफोर्स इंश्योरेंस फंड सेट मेनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट

विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पावर प्ले में नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हंड्रेड परसेंट फोकस फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फोकस करना अच्छे से फोकस करना अच्छे से यहां पर आ जाओ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इधर आओ फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर में बेटा जी पहले आपके

पहले कैसा होता था कि एकदम आप सेकंड टॉपिक पे आ गए अभी हमारे पास वो समय नहीं होगा कि मैं फर्स्ट टॉपिक के क्या आपको ऐसा बोलूंगा क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ रहा है कि नहीं आ रहा है दैट विल अशियर वेस्ट ऑफ टाइम तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मस्ती में हम लोग पढ़ाई करते आ रहा हूं आपका एक एक सेकंड कीमती है जितने सेकंड मैं यहां पर खड़ा रूंगा यूल फील एवरी सेकंड इज वर्थ डेड यू टू तो थर् बेनिफिट फ्रॉम इट जैसे ही मुझे आपसे बात करने का मैं भी टीचर बात करने का बहुत मन करेगा तो वो सेपरेटली बात करेगा अभी टेन पढ़ाई पे फोकस रहेगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हिटिंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर व्हाट मीन बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समझना ये रेगुलेशन क्यों लाना पड़ा था भारत भारत के बाहर से कोई भी फॉरेनर कोई भी फॉरेनर अगर इंडिया के शेयर खरीदना चाहता है

पहले उसे हमारे पास रजिस्टर होना पड़ेगा पहले उसे हमारे पास रजिस्टर होना पड़ेगा एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ओनली देन द पर्सन कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एनी फॉरेनर हु इंटेंड्स टू अक्वायर शेयर्स इन इंडिया एनी फॉरेनर हु इंटेंड्स टू अक्वायर शेयर्स इन इंडिया हैजिस्टर्ड एज फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ओनली देन ही कैन अक्वायर शेयर इन इंडिया

Intends to invest in India, he has to be first registered as a foreign portfolio investor only then he can invest. अब सुनना यहाँ पे ये कुछ समय पहले amendment आया, यहाँ पे पहले three categories हुआ करती थी, अबे दो categories हो गए, but कुछ change नहीं हुआ ज़्यादा. Understand 100% focus के साथ में categories of FPI. The first category देखो आपके module में तो FPI के बारे में इतना सा दिया, कितना दिया है?

उसके लिए उसको पहले डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट करना पड़ता है फिर वो रजिस्टर कर सकता है और फिर वो फाइनली इन्वेस्ट कर सकता है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन सिलेबस इज कैटेगरीज ऑफ की categories. तो सिलेबसरी दो कैटेगरीज होती है सबसे पहली कैटेगरी कैटेगरी वन एफ कैटेगरी वन एफ पी आई इंक्लूड फोकस ऑन द स्क्रीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स सच एस सेंट्रल बैंक फंड, इंटरनेशनल और ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी इंक्लूडिंग एंटीटी फाइव परसेंट डायरेक्टली और इंडली रिलेटेड इन्वेस्टर्स सुनना है वड़े -वड़े investors, वड़े -वड़े investors. तो इन्वेस्टर्स में क्या ध्यान से गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स एस आगे एक्साम्पल दे रहे हैं तो किनको कैटेगरी वन एफपीआई लेते हैं कैटेगरी वन एफपीआई मतलब बहुत ही एकदम तो बड़े रॉयल प्रीमियम प्लेटिनम इन्वेस्टर्स राइट तो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स अब आप समझो अब थोड़ा शांत दिमाग समझना मैं मेरी स्पीड को स्लो कर रहा हूं आज इंडिया में अगर मान लीजिए रशियन गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है आज इंडिया में मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है अगर वो गवर्नमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है कर सकती है बिल्कुल कर सकती है तो अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाहती है तो उनको आप क्या बोलोगे नहीं नहीं आपको हम सेकंड कैटेगरी इन्वेस्टमेंट देंगे नहीं उनको प्लेटिनम इन्वेस्टर की कैटेगरी दोगे ना सो गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर को मिलता है कैटेगरी वन ठीक है कैटेगरी वन सच में लिखा है सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया में आरबीआई तो उनका जो बैंक होगा वो इन्वेस्ट कर रहा है रहे वेल्थ फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल और मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज इंक्लूडिंग एंटिटीज कंट्रोल्ड और एटलीस्ट डायरेक्टली सेक्टली ओन बाय सच गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इवेस्टर्स कंपनी के सेवेंटी शेयर्स ओन करते हैं ऐसी कंपनी अगर हमारे इन्वेस्ट करी तो उसको भी हम कैटेगरी बन देंगे एक कंपनी है जिसके सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है वो गवर्नमेंट और रिलेटेड इन्वेस्टर्स के पास है और वो भी हमारे इन्वेस्ट करी तो उसको भी कैटेगरी बन तो देते हैं तो कैटेगरी टू पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड को देते हैं कैटेगरी टू नेक्स्ट अब देखना देखना अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड उसके बाद में अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एज इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस एंडिटीज बैंक टे मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर पोर्टफोलियो मैनेजर ब्रोकर डीलर एंड स्वैप डीलर्स अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है दीज एंटिटीज आर रजिस्टर्ड इन देयर ओन कंट्रीज अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड का मतलब आसान भाषा में रजिस्टर्ड तो ये वो एंटिटीज़ जो अपनी कंट्री में रजिस्टर्ड है जैसे कि इंडिया में कंट्री तो रजिस्टर में रजिस्टर्ड है सो अप्रोप्रियटली रेगुलेटेड एंटिटीज री इंश्योरेंस बैंक अस्टेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर एडवाइजर मैनेजर ब्रोकर डीलर स्वैप डीलर ठीक है सुनना एंटिटीज फ्रॉम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर में सुनना एफ ए टी एफ कहते हैं

थ अदर ग्रोप्रिएटली रेग्युलेटेड फंड सेकेंड अनगुलेटेड फंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड यह भी आपके पहले कैटेगरी टू में आते थे कि हम हाँ, फंड रेगुलेटेड नहीं है बट उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड मतलब रजिस्टर्ड है एंड रजिस्टर्ड एज अ कैटेगरी वन फर्ड इन्वेस्टर

B or B, which is at least 75% owned directly or indirectly by another entity, eligible under sub -clause 2, 3 234 of clause A of this regulation. So much matter 234 of clause A. 234 of this regulation, and such an eligible entity is from a FATF member country. एलिजिबल एंटिटी अंडरटेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेंट सीकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर दिस सब क्लॉस सुन मेरी बात तो यहां पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एकदम अच्छे से फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे

कैटेगरी टू पढ़ना ही नहीं है कैटेगरी टू को क्या बना दिया रेसिड्यूरी कैटेगरी जो भी कैटेगरी वन में इंक्लूड नहीं हुए जो भी कैटेगरी कैटेगरी में इंक्लूड नहीं हुए वो हो जाएंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स सच एज अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड नॉट एलिजिबल एज कैटेगरी वन कुछ ऐसे अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड भी हैं जो कैटेगरी वन में एलिजिबल नहीं हो पाए क्यों क्योंकि ऊपर हम अगर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड की लिस्ट देखेंगे तो उन्होंने बहुत सिलेक्टेड लोगों को लिया है उन्होंने अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंटिटीज में बहुत सिलेक्टेड लोगों को लिया है तो वो अप्रोप्रियटली रेगुलेटेड जो कैटेगरी वन में एलिजिबल नहीं हो पाए पाएमेंट एंड फाउंडेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट बॉडी रैंडम कंपनीज फैमिली ऑफिस इंडिविजुअल अप्रोप्रेटली रेगुलेटेड एंटिटीज इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट एज पर कंडीशन स्पेसिफाइड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम अप्रोप्रियटली रेगुलेटेड है लेकिन इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट और वो कैटेगरी वन में कवर नहीं हुए अनरेगुलेटेड फंड्स इन फॉर्म ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट

पहले काफी आसान कैटेगरी थी बट अब उन्होंने कैटेगरी को थोड़ा सा और कॉम्प्लीकेट कर दिया समझने के लिए हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन स्क्रीन रखना लुक कैटेगरी टू में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं।, नहीं है क्यों नहीं है एग्जाम्पल दिए बट पूरा फोकस कैटेगरी वन पे लेना है पूरा फोकस कैटेगरी वन पे लेना कैटेगरी वन में कितने पॉइंट्स हैं दिलो दिमाग में सारे पॉइंट्स बैठ जाने चाहिए कैटेगरी वन में है वन टू थ्री फोर एंड फाइव पॉइंट दीज फाइव दीज फाइव पीपल विल बी गेटिंग कैटेगरी वन दीज फाइव पीपल विल बी गेटिंग कैटेगरी वन रजिस्ट्रेशन हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द स्क्रीन अच्छा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैटेगरी वन कैटेगरी वन का हम रजिस्ट्रेशन किस किस को दे रहे हंड्रेड परसेंट फोकस पे पे स्क्रीन पे सब लोग कैटेगरी वन फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा है सेकंड पॉइंट समझ में आ रहा है थर्ड पॉइंट समझ में आ रहा है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स या फिर एंटिटीज कह सकते हो इन्वेस्टर या फिर एंटिटीज कह सकते हो तो एफपीआई की कैटेगरी वन में क्या है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स ठीक है इसमें आगे सेंट्रल बैंक बोलो सोरेन वेल्थ फंड बोल दो या फिर कोई भी ऐसी कंपनी कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स होल्डिंग सेवेंटी और मोर शेयर्स एंड इंक्लूड एनी कंपनी वेर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स आर होल्डिंग सेवेंटी फाइव परसेंट और मोर्शेस आई डोंट थिंक कि किसी भी बच्चे को फर्स्ट वाउंड में कोई तो परेशानी नहीं सर सर के। कैटेगरी वन एफपीआई फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स एंड इट इंक्लूड्स एनी रैंडम कंपनी बट जिसमें भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स का सेवेंटी फाइव परसेंट स्टेक है तो इन सबको मिलता है कैटेगरी वन इन्वेस्टमेंट इजी इजी है easy है सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट देखो पहले जो तीन पॉइंट आसान है उसको खत्म करते हैं फिर फोर्थ और फिफ्थ को अच्छे से एनालाइज करके रैप अप करेंगे ओके जस्ट हैव पेशेंस एंड फोकस हियर सेकेंड पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड सर ये तो सबसे ही आसान है सर इस पॉइंट से प्यार हो गया सर इस पॉइंट से प्यार हो गया पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंड पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंड इनको भी मिलेगा कैटेगरी वन कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं आई डोंट थिंक एनी वन हैज एनी स्कोप इवन एंड आउट ऑफ डाउट इन पॉइंट वन एंड टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स एंड पेंशन एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड इन्वेस्टर्स ओके यूनिवर्सिटी फंड थर्ड थर्ड इज वॉट अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना पहले आप कैसे पढ़ते थे कैटेगरी टू में यह सब आ जाते थे अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड लोग अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड लोग सब कैटेगरी टू में आ जाते हैं अब ऐसा नहीं है अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड भी कौन कौन अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द स्क्रीन अप्रोप्रियटली रेगुलेटेड एंटिटीज सच एज इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस एंडिटी ओके इंश्योरेंस री इंश्योरेंस एंटिटी बैंक ऑसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइसर्स पोर्टफोलियो मैनेजर्स ब्रोकर डीलर्स एंड स्वैप डीलर्स ओ भैया जी सुना सुना कैटेगरी 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 अरे, अरे अरे देखना कैटेगरी फ्लो है भैया फ्लो है देखना सुनना इंश्योरेंस री इंश्योरेंस साथ में रहेंगे इंश्योरेंस री इंश्योरेंस साथ में रहेंगे

अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड में किसको लिख रहा हूं सबसे अब याद करो किन किन का नाम याद आ रहा है सबसे पहले यह तीनों सर इंश्योरेंस एंटिटी इंश्योरेंस री इंश्योरेंस बैंक ये तीनों याद आ रहे हैं इंश्योरेंस री इंश्योरेंस बैंक फिर सर वो चारों इन्वेस्टमेंट वाले इंश्योरेंस In इन्वेस्टमेंट वाले क्या हो गया अस्टेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइसर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर ये सब इन्वेस्टमेंट वाले हो गए एंड दो डीलर है दो डीलर कौन कौन से दो डीलर कौन कौन से स्वैप डीलर एंड एंड ब्रोकर डीलर ब्रोकर डीलर एंड स्वैप डीलर ये और नहीं है ये कॉमा है बस ये याद रखने के लिए तरीका है। ये सिर्फ आपका याद रखने का तरीका है। इन्वेस्टमेंट कंपनी स कंपनी बैंक मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड आपका पोर्टफोलियो मैनेजर चलिए मुझे बताओ क्या थर्ड पॉइंट तक सब लोग मेरे साथ में है क्या मैं आशा, बस घर पे ऐसे ऐसे नोट करो मैं मैं आपको देख सकता हूं आप बस ऐसे ऐसे करो मैं आपको देख सकता हूं मैं आशा करता हूं हंड्रेड परसेंट फोकस करना आई बिलीव ईच एंड एवरी वन ऑफ आर वेरी कंफर्टेबल कंफर्टल पॉइंट पॉइंट थ्री तक किसी को प्रॉब्लम नहीं पॉइंट थ्री तक सब लोग सेट है अब हम आगे बढ़ेंगे मैंने आपको क्या बोला हंड्रेड परसेंट दिल में उतार दूँ उसका कोई मुझे टेंशन नहीं है इट इज जस्ट के कोई भी चीज आपके लिए का थोड़ी सी भी नहीं हो जाती है ना नहीं हो जाती है ना तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देना है। कोई परेशानी की बात नहीं वील गेट बैक टू आर वी विल गेट बैक टू आर पार प्लेस स्पीड यू डोट टू वर अब आई गेस ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज वेरी कंफर्टेबल अपू पॉइंट वन पॉइंट थ्री फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के अंदर फर्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट एंड गड यूनिवर्सिटी एंड पेंशन फंड एंड देन अप्रोप्रियटली रेगुलेट कौन इंश्योरेंस री बैंक Company, insurance manager, insurance advisor, आ, असेट मैनेजमेंट कंपनी इंश्योरेंस मैनेजर इंश्योरेंस एडवाइजर, असेट मैनेजमेंट कंपनी डीलर एंड स्वैप डीलर ठीक है ये डिफिकल्ट स्पेशली फोर्थ का ध्यान रखना तो फिर भी ठीक है फोर्थ का पूरा फोकस यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या एंटिटीज फ्रॉम अब यहां पर रेलिवेंट चीज क्या है कि आपकी कंपनी कहां से है आपकी एंटिटी कहां से ये सब अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड ऑल द अप्रोप्रियटली रेगुलेटेड फंडली रेगुलेटेड किसी भी कंट्री होंगे होंगे कैटेगरी वन मिल जाएगा लेकिन रिमेनिंग अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड जो फंड है रिमेनिंग कंट्रीज के रिमेनिंग अप्रोप्रियटली रेग्युलेटेड फंड है उनको तभी कैटेगरी वन मिलेगा इफ दे आर फ्रॉम एफ एफ मेंबर कंट्रीज या फिर आर फ्रॉम एनी अदर कंट्री स्पेसिफाइड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय वे ऑफ एनी अग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी और विद सोवरिन गवर्नमेंट आर वी अंडरस्टैंडिंग फोकस करना चाहिए फोकस करना चाहिए उन कंट्रीज के अप्रोप्रिएटली रेग्युलेटेड फंड रेगुलेटेड फंड जिनका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड नहीं मैं आपको बताता हूं आपको इतना कर दूंगा कि आप नाम बदल दोगे, एकदम फोकस करना। अगर समझ में नहीं आया अगर दिल में नहीं उतरे तो नाम बदल देना। आप सबको क्या, क्या लिखा है अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड अगर ये सब है थर्ड पॉइंट में से आप अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड है तो, तो आपको सीधा कैटेगरी वन मिल जाएगा लेकिन अगर आप अगर आप, अगर अगर आप सुनना बहुत आर यू आर अदर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड ये जो ऊपर कवर नहीं हुए यू आर अदर अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड फंड और यू आर नॉट अप्रोप्रिएटली रेग्युलेटेड फंड नॉट अप्रोप्रिएटली रेग्युलेटेड मतलब आप रजिस्टर्ड नहीं हो आपकी कंट्री में बट इन्वेस्टमेंट मैनेजर आपका जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है जैसे कि अपने इंडिया में म्यूचुअल फंड है और उसका फंड मैनेजर होता है वैसे ही आप समझो कि वहां का कोई फंड है जो रजिस्टर्ड नहीं है फंड रजिस्टर्ड नहीं है फंड अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड नहीं है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है बट इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज फॉरिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी वन तो अगर कोई फंड जो कि अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड नहीं है लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो है उसको कैटेगरी वन में एफपीआई बना हुआ है वो कैटेगरी एफपीआई है एंड ही इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको भी एंड लास्ट में समझना यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडाउमेंट सुनना ऊपर उन्होंने कह दिया है कि जो पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंड्स फंड्स हैं जो पेंशन एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंड्स हैं वो आ गए हैं ऊपर सेकंड पॉइंट में और जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडाउमेंट्स बच गए तो कुछ फंड्स की कैटेगरी में जाते हैं कुछ एंडाउमेंट्स में आते हैं एंडाउमेंट अब्रॉड में ज्यादा टर्म यूज किया जाता है तो जो यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडाउमेंट्स हैं नॉट लेस देन फाइव इन यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडाउमेंट्स च यूनिवर्सिटीज दैट हैव बीन इन एक्सिस्टेंस फॉर मोर देन फाइव ईयर्स यूनिवर्सिटी रिलेटेड एंडाउमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन एक्सिस्टेंस फॉर मोर देन फाइव ईयर्स अब मेरी बात को बहुत केयरफुल सुनना अब आ रहा है एक्चुअल पॉइंट मुझे बताओ क्या इन तीन आपको टाइप वाइप करना है कमेंट कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ मेरी तरफ ऐसे नॉट करना है मैं कमेंट देख ही नहीं रहा हूं आपको सिर्फ मेरी तरफ ऐसे नॉट करना है सुनना मुझे बताओ क्या इन तीनों को नॉट करना है यस में या नो में क्या इन तीनों को कैटेगरी वन एफपीआई बना दूंगा क्या? क्या ये पॉइंट है क्या

ये तीन पॉइंट कैटेगरी एफपीआई बन सकते हैं ये तीन पॉइंट्स कैटेगरी ऑन एफपीआई बन सकते हैं इफ इफ दे इफ दे आर फ्रॉम कंट्री विच इज ज एफ ए टी एफ मेंबर कंट्री समझना अच्छे से क्या कह रहा हूं ये लोग ये जो तीन कैटेगरी है ये कैटेगरी एफपीआई नहीं बन सकते लेकिन अगर ये एक ऐसी कंट्री में है अगर ये तीनों ऐसी कंट्री में है जो कि एफ एटीएफ मेंबर कंट्री है हाँ तो आप बन सकते हो या फिर या फिर आर फ्रॉम कंट्री विच इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट देखो क्या लिखा है विच आर नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंटीज फ्रॉम एफ ए टी एफ मेबर कंट्रीज और फ्रॉम एनी कंट्री स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑर्डर और बाय एन अग्रीमेंट और ट्रीटी विथ अदर्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ऑर्डर बाय वे ऑफ ट्रीटी और बाय वे ऑफ अग्रीमेंट

इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी बैंक बोलो असट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और आपका फंड मैनेजर मैनेजर पोर्टफोलियो फिर आपका ब्रोकर डीलर या फिर स्वैप डीलर उसमें कवर इसके अलावा अगर आप हो तो आपको एफपीआई में कैटेगरी वन मेंबरशिप नहीं मिलेगी सिर्फ तब मिलेगी जब आप ऐसी कंट्री से आए हो ऐसी कंट्री से आए हो जो एफ की मेंबर है या फिर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रीटी से ऑर्डर से या अग्रीमेंट से स्पेसिफिकली अलाउ किया है कैटेगरी वन बनने के लिए तो इन तीनों को तो इन तीनों को आपको कैटेगरी वन का डेजिग्नेशन देना है तो बाकियों को तो विदाउट एनी कंडीशन कैटेगरी वन बना दिया गया बाकियों को इन तीनों को तो विदाउट एनी कंडीशन कैटेगरी वन बना दिया गया लेकिन इन तीनों को अगर कैटेगरी वन बनना है दे शुड बी फ्रॉम अ कंट्री विच इज एफ मेंबर कंट्री और दे शुड फ्रॉम कंट्री डेजिग्नेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आई होप योर अंडरस्टैंडिंग अब मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हो आर्मी अंडरस्टैंडिंग

Fifth point, an entity, एक ऐसी एंटिटी एनवेस्टमेंट मैनेजर इज फ्रॉम एफ ए टी एफ मेंबर कंट्री एंड सच एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज रजिस्टर्ड एज कैटेगरी वन एफ पी आई कोई भी एक एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर कैटेगरी वन एफ पी आई है जो हमने ऊपर देखा और बी कोई भी एक ऐसी एंटिटी और बी विच इज एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ओन डायरेक्टली और

फिफ्थ पॉइंट समझोगे तो ही समझ में आएगा और depth में जा रहे हैं। जनरली इतना डेप में जाने की जरूरत नहीं होती है लेकिन कैसा है कि कोई भी टॉपिक अगर आपको दिल में नहीं उतरना तो मजा नहीं आएगा सुनना मेरी बात को बहुत अच्छे से फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पर आ जाओ एनी एंटिटी कोई भी एक ऐसी एंटिटी कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसका कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट एडवाइसर जिसका इन्वेस्टमेंट एडवाइसर इन्वेस्टमेंट मैनेजर एग्जैक्ट वर्ड यूज कर लेते हैं हम इन्वेस्टमेंट मैनेजर जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर ज कैटेगरी वन एफ पी आई बस खत्म कोई भी एक एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज अ कैटेगरी वन आई किसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज अ कैटेगरी वन एफ पी आई सर ये तो ऊपर भी कवर था नहीं ऊपर कवर था सिर्फ फंड्स ऊपर कवर थे सिर्फ फंड्स पिछले पॉइंट में देखो आप फंड्स कवर्ड है

टास्क फोर्स एफ एटीएफ मेंबर कंट्री को छोड़ो एनी एन जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज एन कैटेगरी एफ पी आई या फिर सेकेंड पॉइंट कोई भी एंटिटी विच इज 75 परसेंट और मोर विच इज 75 परसेंट और मोर ओन्ड बाय पॉइंट टू थ्री फोर विच इज ओन्ड बाय पॉइंट टू थ्री फोर अब क्या कहने की कोशिश करें समझना कि कोई भी एंटिटी विच इज सेवेंटी एटलीस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट ओन्ड बाय टू थ्री एंड फोर टू थ्री एंड फोर कौन से हो गए ऊपर जो पॉइंट पड़े हमने टू थ्री एंड फोर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड को छोड़ो उसमें तो वैसे भी सेवेंटी फाइव परसेंट को ऑलरेडी कह दिया था ना

इनको भी हम कैटेगरी वन की मेंबरशिप दे देंगे इफ एंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ इफ दे आर फ्रॉम अ एफ ए टी एफ मेंबर कंट्री ये कंडीशन तो आपको भी कंप्लाई करनी पड़ेगी कि कोई भी एक ऐसी एंटिटी जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट शेयर टू थ्री फोर में से कोई उनका रखा है या कोई भी एक ऐसी कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर कैटेगरी वन एफपीआई उसको भी हम कैटेगरी वन का परमिशन दे देंगे बट दे शुड बी फ्रॉम टी एफ में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंडिया है, बहुत सारी है. तो एफ एफ जिसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर को हमने दिया था तो उसको भी आने देंगे उसको भी इन्वेस्ट कर देंगे उसको भी हम कैटेगरी वन दे देंगे और मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके सेवेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा शेयर वाले लोगों ने तो उसको भी हम कैटेगरी वन का परमिशन दे दें एक चीज अंसड प्रिज्यूम्ड है

एनी एंटिटी अजी नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी वन और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए कुछ सच एस तो एग्जाम्पल भी अगर आप याद रखते हैं तो अच्छा रहता है वैसे तो उसके एक्साम्पल अगर लिखना हो तो इजी जाता है बट हाँ कम से कम ये तो बता चाहिए कैटेगरी वन क्या कटेगरी वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं अभी तक तो आपके खून में पूरा पॉजिटिव नहीं उतर है। सुनना मेरी बात को कैटेगरी वन में कितने पॉइंट्स है पांच पॉइंट्स पॉइंट तो ईजी है दो पॉइंट डिफिकल्ट है तीन पॉइंट तो ईजी है दो पॉइंट डिफिकल्ट है तो पहले महारत हासिल करो उन तीन पॉइंट पे फर्स्ट कंप्लीट दो थ्री पॉइंट एक बार तीन पॉइंट को तो कंप्लीट कर लो पॉइंट्स क्या है सबसे पहले कैटेगरी बंद एफपीआई के तीन पॉइंट्स क्या है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स एंड दिस आल्सो कवर्स एनी कंपनी दिस आल्सो कवर्स एनी कंपनी दिस आल्सो कवर्स एनी कंपनी एंड इंक्लूड्स एनी कंपनी वेयर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स आर ओनिंग 75% ऑफ गर्वमेंट तो पहला पॉइंट हो गया गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड सेकंड हो गया पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी रिलेटेड फंड तीसरा हो गया आपका अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड कौन इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एडवाइसर मैनेजमेंट कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजर एंड नेक्स्ट आपका कौन सा हो गया डीलर ब्रोकर्स मतलब ब्रोकर डीलर्स एंड स्वैप डीलर्स ये हो गए तीन आसान पॉइंट पहले तीन आसान पॉइंट अच्छे से दिमाग में उतर जाना चाहिए फिर आगे दो डिफिकल्ट वाले पॉइंट क्या बोला फोर्थ पॉइंट में बोले ये तीन लोग तीन पॉइंट स्पेसिफाई किए पूरे ये तीन लोग अगर एफ मेंबर कंट्री से हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब कंट्री से हैं तो इनको मिल जाएगा कैटेगरी उसके बाद में बोला ये दो लोग अगर मेंबर से हैं तो इनको मिल जाएगा कैटेगरी वन आई होप अंडरस्टैंडिंग पांच पॉइंट है पहला पॉइंट बोलता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स दूसरा बोलता है पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड तीसरा पॉइंट कहता है आपका अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड ये सब लोग चौथा पॉइंट कहता है यह तीन लोग अगर

अप्रोप्रियटली रेगुलेटेड अदर फंडली है बट जिनका FPI, right? और में, क्या आ गया? आपका यूनिवर्सिटी इज इन प्लेस फॉर मोर देन फाइव इन नीचे फिफ्थ पॉइंट के दो पॉइंट क्या हो गए कोई भी एंटिटी कोई भी एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज अटेगरी And next is any entity just in the category two, three, and four are owning more than 75% shares. I don't think this could be simplified any further. I think this is the best possible way. This is category 1 FPI, and then comes category 2 FPI. Category 2 FPI simply says any entity which is not covered, any fund which is not covered under category 1 FPI. I bear also. चलिए 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 बेहतरीन तरीके से मैं अपेक्षा करूंगा बच्चों से कि इसका आप फोटो ले लें बिकॉज मैं लिखने का समय नहीं दे पाऊंगा तो आप बच्चे इसका फोटो ले लें ताकि ये आपके पास रहे और इसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से लिख लें इसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से लिख दें सो देट आपको परेशानी बाद में नहीं हो क्लियर इसका आप फोटो ले लीजिए फुल स्क्रीन मैं फुल स्क्रीन कर दो तो फटाफट से एंड देयर हम लोग आगे बढ़ेंगे ठीक है ना इसको एक बार कर लो मैं आपके लिए एक और चीज कर लूंगा कि जब मैं लास्ट में मैं जब लास्ट के अंदर थर्ड सेशन के अंदर जब सब रिमेनिंग टॉपिक का क्विक रिवीजन लेने वाला हूं ना उसके अंदर मैं इसका वापस क्विक रिवीजन ले लूंगा तो दिलो दिमाग में और बैठ जाएगा ठीक है थीके? बड़ा मजा आएगा चलिए यार फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो ताकि लेक्चर इमीडिएट होने के बाद में आप उसको पेन डाउन कर लो फुल स्पीड में फुल स्पीड में फुल, फुल, फुल स्पीड में सो दैट लेट्स गेट बैक टू पावर प्ले मोड लेट्स गेट बैक टू पावर प्ले मोड चिंता की कोई बात नहीं लेट्स गेट बैक टू पावर प्ले मोड

Is a privately pooled investment vehicle. It is a privately pooled investment vehicle which collects front from investor, whether Indian or foreigner, for investing it in accordance with the defined investment policy for the benefit of investor. What does it do? It is a privately pooled investment vehicle which collects front from investor, whether Indian or foreigner, from investor, whether Indian or foreign, for investing it as per the defined investment. पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर ठीक है एंड इज नॉट कवर्ड अंडर से बी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन रेगुलेशन और एनी अदर रेगुलेशन रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द स्क्रीन हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द स्क्रीन बिफोर 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 गोइंग इन टू द कैटेगरीज पहले अच्छे समझ लो ए आई एफ क्या होता है फोकस ऑन द स्क्रीन ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्रीम टॉपिक्स हैं ये जो सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ये सब क्रीम टॉपिक्स हैं तो इसको उसी की तरह इज्जत देना एग्जाम में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द द्रीन आई एम ट्राइंग टू टीच वाइन ए आई एफ वट यू मीन बाईटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज अ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज अ फंड फोकस करना अच्छे से स्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया सबसे पहले चीज स्टैब्लिड और इनकॉपोरेट इन इंडिया बना दिया ए आई एफ सो दिल्लीपोरेटेड इन इंडिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट बॉडी कॉर्पोरेट इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी एल एल पी तो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है एक so, uh, in uh, in in इंडिया के अंदर एक के के आगे इन्वेस्टर शुड भी कुड भी इंडियन और फॉरनर ये एक और इंडिया के अंदर अब मैं क्या करता हूं इन सबके हाथ बांध देता, सब देता हूं सर इन सब के हाथ क्यों बांधे लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें ना दे आर ऑल प्राइवेटली आई के यूनिट्स का पब्लिक इश्यू नहीं होता इट इज प्राइवेटली पुल्ड मतलब सिर्फ कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं यहां पे पूरी जनता इन्वेस्ट नहीं करती है सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रिफर्स टू फंड फंडलिड एंड इनकॉर्पोट इंडिया क्योंकि बॉक्स हमने इंडिया में बनाया कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एल एल पी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट ट्रस्ट लिख दिया ऊपर विच इज अ प्राइवेटली पूर्ड इन्वेस्टमेंट वहीकल सबके हाथ बांध रखे बिकॉज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट वहीकल है मनी एंड द मनी इज इन्वेस्टेड एज पर दिफाइंड इन्वेस्टमेंट मनी इज इन्वेस्टिड एज पर द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या हो गया उनको पहले से बता दिया जाता है कि कहां पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से उनका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो AIF कुछ नहीं मैं आपको क्या बता रहा हूं सुनना आज मान लीजिए मैंने चार पांच बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया मेरे मित्रों को कि सुनो आप सब लोगों को इन्वेस्टमेंट की चिंता होती है ना आप सबका पैसा मैं यहां इन्वेस्टमेंट कर लेता हूं ये बहुत अच्छा प्लान है उन्होंने कहा कर लेते हैं तो मैंने उन सबका पैसा लिया और मेरा भी थोड़ा पैसा लगाया और साथ में इन्वेस्ट कर दिया एआईएफ हो सकता है वो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड What is this? establishment created in India? establishment incorporated in India? Yes, in the form of trust, body, corporate, company, or LLP, which is the privately pooled investment vehicle. Privately pooled investment where the money is in, from uh, Indian or foreigner, where the money is invested as per defined investment policy. And the beauty is, which is not covered under mutual fund regulation. This mutual fund regulation will be covered in Unichi, which is not covered under. सीएस रेगुलेशन सी एस रेगुलेशन में भी कवर नहीं होनी चाहिए एंड एनी अदर रेगुलेशन में भी कवर नहीं होनी चाहिए अब इसका नाम एक बार केयरफुली दे, देखो इसका नाम बड़ा केयरफुली देखो ए आई एफ ए आई एफ का लॉजिक ही क्या है इसका लॉजिक ही है जिसका कोई नहीं उसका ए आई एफ जिसका कोई नहीं उसका ए आई एफ मतलब जो एक ऐसा बनता ना, ट्रस्ट बन गया कंपनी बन गई बॉडी कॉर्पोरेट बन गया जो किसी में कवर नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड के भी फीचर्स में कवर नहीं हो रहा है सीआईएस में भी कवर नहीं हो रहा है यार बोले सही से कहीं पे भी कवर नहीं हो रहा है मैं कहीं कवर नहीं हो रहा मैं एक अलग ही बन जाता हूं तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड फर्स्ट टू फंड जो कि कहीं पर भी कवर नहीं होता ए नाम ही देखो ना ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड ऑल्टरनेट तो जो कहीं कवर नहीं होता वो ए आई एफ आई के अंडरस्टैंडिंग आई थिंक भावना आप तक पहुंच चुकी है

पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पड़ा वो भी था ए आई एफ भी है ना तो इससे सब लिंक टॉपिक से थोड़े बहुत कैटेगरी वन कैटेगरी टू एंड कैटेगरी थ्री समझना कैटेगरी वन क्या ए आएफ की कैटेगरी वन क्या है? ये सबसे प्यारी कैटेगरी है देखना और आपको प्यार हो जाएगा कैटेगरी टू से लेकिन आप कैटेगरी वन पे रहो कैटेगरीज ऑफ ए एफ

ली स्टार्टअप बोलो अर्ली स्टेज वेंचर बोलो सोशल एम बोलो एसएमईज बोलो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बोलो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं विच इज कंसिडर्ड एज इकोनॉमिकली एंड सोशली डिजायरेबल मतलब ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी है इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं वो कैटेगरी वन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वन उनका डेफिनेशन कैसे दिया है दे इन्वेस्ट इन स्टार्टअप अर्ली स्टेज वेंचर्स सोशल वेंचर्स दे इन्वेस्ट एस एम ईज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं यहां पर वो इन्वेस्ट करते हैं और एरियाज विच द गवर्नमेंट और रेगुलेटर कंसिडर्स इकोनॉमिकली एंड सोशली डिजायरेबल एंड इंक्लूड्स एंड शेल इंक्लूड वेंचर कैपिटल फंड एसएमई फंड सोशल वेंचर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यही ना ऊपर जो लिखा था ना

मैं तुम्हारे पैसे को डबल रखने की करने की ताकत रखता हूं मैंने उनको थोड़ा सा लालच दिखाया उन्होंने कहा ठीक है कैटेगरी थ्री वॉट दे डू दे इंप्लॉय एंड डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपने मैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना ऑप्शन फ्यूचर्स इसमें ट्रेड करता है दे इन्वेस्ट इन डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड मे इवन इंप्लॉय लेवरेज मतलब क्या आपको कहा पचास पचास लाख दो चारों ने दिए दो करोड़ हो गए फिर मैंने बैंक से दो करोड़ का और लोन भी ले लिया अब चार करोड़ से मैं ट्रेड कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन ये बहुत रिस्की हो गए कैटेगरी थ्री वेरी रिस्की ओके सर कैटेगरी टू क्या है बहुत ही प्यारे लगेगी आपको कैटेगरी टू एफ विच नॉट फॉल इन कैटेगरी वन एंड थ्री नॉट अंडरटेक

कि कैटेगरी वन शुड बी डिफाइंड कैटेगरी टू शुड बी डिफाइंड एंड जो भी वन और टू में कवर नहीं हुआ वो कैटेगरी थ्री होगा ये आइडियली अच्छा लगता है देखने में बट ये क्या बात हुई कैटेगरी वन डिफाइन किया कैटेगरी थ्री डिफाइन किया और जो दोनों में कवर नहीं होता कैटेगरी टू तो, तो भैया जी नहीं पता मुझे ऐसा क्यों नहीं जी मुझे नहीं पता कैटेगरी वन ए कैटेगरी टू ए कैटेगरी थ्री ए एफ सुना अच्छे से कैटेगरी वन अच्छे समझ लो कैटेगरी वन विच इन्वेस्ट दे इन्वेस्ट इन वॉट स्टार्टअप्स early stage ventures, social ventures, SMEs, infrastructure sector, infrastructure sector or such areas which are economically or socially desirable, which are economically or socially desirable. I hope you understand, right? सच है इस करके वापस वही स्टार्टअप वाला वेंचर कैपिटल फंड उसके बाद में सोशल वेंचर फंड एसएमई वेंचर फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये सब तो वही बात वापस हो जाएगी क्लियर है कैटेगरी थ्री विच इंप्लॉय याद रखना है वर्ड्स में इसलिए वापस बोल रहा हूं विच इंप्लॉय डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज विच इंप्लॉय डायवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, विच इंप्लॉय डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड मे इवन इंप्लॉय लेवरेज मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्की है एकदम तूफान सी खेल रहे हैं इंप्लॉय डायवर्स और कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज एंड मे इवन इंप्लॉय लेवरेज एंड कैटेगरी टू विच आर नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी वन एंड कैटेगरी टू

प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट वेहीकल विच कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया और इवन फॉर एंड द मनी इज इन्वेस्टेड एज पर डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड विच इज नॉट कवर अंडर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन सेबी सी एस रेगुलेशन और एनी अदर रेगुलेशन कैटेगरी तीन है फर्स्ट फर्स्ट कटेगरी वन जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअपेजर वेंचर कैपिटल फंड आपका एसएमई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सोशल वेंचर फंड एनी सच एरिया विच इज इकोनॉमिकली और सोशली डिजायरेबल गवर्नमेंट कैटेगरी थ्री विच एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स एंड डायवर्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड मे इवन यूज मे इवन यूज लेवरेज कैटेगरी टू विच इज नॉट कवर्ड कैटेगरी वन इन कैटेगरी थ्री आई होप इट इसलियर फिट इन यू है यस पीपल शीघ्रता के साथ

नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड और लास्ट वाला सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी यस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इसके अंदर कैटेगरी केवर्नमेंट एंड कैटेगरी कैटेगरी में पांच पॉइंट पॉइंट है पहला क्या हो गया गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स दूसरा हो गया पेंशन फंड यूनिवर्सिटी फंड तीसरा पॉइंट हो गया आपका अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड थ्री प्लस फोर प्लस टू पहले थ्री में इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी बैंक उसके बाद में चार में क्या आ गया आपका मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड फंड मैनेजर उसके बाद में दो कौन से आपके ब्रोकर डीलर स्वैप डीलर क्लियर है एंड कैटेगरी टू विच आर नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी वन फिर ए आई एफ ए आई में फॉर्म ऑफ फंड इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी एल एलपी विच प्राइवेटली पुल इन्वेस्टमेंट वेहकल वेर मनी कलेक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टर फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड इन्वेस्टेड एस पर डिफाइन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड विच आर नॉट अंडर सभी म्यूचुअल फंड रेग्युलेन सभी टेगरी तीन ने कैटेगरी वन कैटेगरी टू कैटेगरी थ्री कैटेगरी वन के अंदर क्या लिखा है कैटेगरी वन विच इनवेट इन स्टार्टअप अर्ली वेंचर विच इनवेस्ट इन सोशल वेंचर्स एम इज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और एनी विच इज इकोनॉमिकली और सोशली डिजायबल बाय गरी थ्री विच इंप्लॉय कॉम्प्लेक्स एंड डायवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटीज राइट एंड मे इवन यूज लेवरेज कैटेगरी टू विच आर नॉटेगरी वनटगरी आर यू ऑल विद मी शैल वी गो एट फुल स्पीड में बोलो शैल वी गो एट अब बच्चों कमेंट करने की जरूरत नहीं मस्ती में ऐसे नोट करते रहो मुझे चलता है चलो यार इधर आ जाओ आ हा आ गए हैं कहाँ छुपे बैठे थे जमाई जी आओ आओ भोजन करो भोजन करो एंकर इन्वेस्टर आ जाओ यारों नहीं 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 कहाँ छुपे बैठे थे जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं 17 17 17 17 17 17 अरे यार 17 कहाँ से बंद हो गया फोकस से फोकस से फोकस से जमाई जी जल्दी आओ आहा आंड्रेडस यहां पर 100 परसेंट फोकस यहां पे चलिए आ रहा हूं विदाउट एंकर इन्वेस्टर सुनाया दो मैंने आपको थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल सेशन में थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल सेशन पढ़ाया था आपको न्यूमेरिकल सेशन में आपको बताया था कि जब भी जब भी अलॉटमेंट होता है मैं पे आपको रिटेल का अलॉटमेंट पढ़ा रहा था क्या तुम्हें याद है फोकस हंड्रेड परसेंट पे मैं आपको पढ़ा रहा था अलॉटमेंट तो जब मैं वहां पे आपको अलॉटमेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि देखो बेटा जी एंकर इन्वेस्टर जनरली और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ऐसी तीन कहानी बन जाती है जनरली अलॉटमेंट किया जाता है प्रो रेटा बेसिस पे जो बचपन से आप इलेवेंथ से करते आ रहे हो 11 से जो कॉमर्स के बच्चे हो 11 से करते आ रहे हैं कि इतने एप्लीकेशन आया इतने को अलॉटमेंट देना है प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट तो आप बचपन से प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर रहे हो तो वो प्रोरेटा होता है जनरली रिटेल इंडिविजुअल वेस्टर का क्या था वन पर लॉट सॉरी वन लॉट पर पर्सन रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का रूल क्या है वन लॉट पर पर्सन एंड फर्दर प्रोरेटा याद आ रहा है ना

रिफर्स इज अफाइड करनी पड़ेगी कितने का टेन करोड़ और मोर इनिंग इशू बुक बिल्डिंग इशू हो रहा है मान लीजिए फिक्स प्राइस इश्यू है तो वहां पर एंकर इन्वेस्टर कंसेप्ट होता अगर फिक्स प्राइस इश्यू है तो एंकर इन्वेस्टर का ही नहीं होता

अप टू टेन करोड़ ही दे रही है टेन करोड़ का ही अलॉटमेंट कर रही है तो यहां पर रिक्वायरमेंट क्या कितने एंकर इन्वेस्टर्स को सर्व कर पाओगे क्या लिखा है देखो मैक्सिमम ऑफ बी परमिटेड फॉर एलोकेशन अप टू करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स कितने मैक्सिमम टू अब सर एक और दिमाग में आएगा सर एक व्यक्ति दस करोड़ से ज्यादा के लिए अप्लाई करता है तो आप दो लोगों को कैसे दोगे दस करोड़ के शेयर्स अरे बेटा जी ऊपर क्या लिखा है एक ऐसा व्यक्ति जो दस करोड़ से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन देता है

एंकर का एलोकेशन कर रहे हो एंकर इन्वेस्टर कितने दे रहे हो दस करोड़ से दो सौ पचास करोड़ लिमिट तो क्या हो जाती है मिनिमम टू मैक्सिमम फिफ्टी मिनिमम टू मैक्सिमम फिफ्टीन आगे देखो टू फिफ्टी हो जाती है अगर नेक्स्ट इन केस ऑफ एलोकेशन अबाउट टू फिफ्टी अ मिनिमम ऑफ फाइव इन्वेस्टर मैक्सिमम ऑफ फिफ्टी इन्वेस्टर्स फॉर अलोकेशन अप टू फिफ्टी करोड़

आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे इसके ऊपर आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे इसके ऊपर आप, आप, आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपको ध्यान रखना है कि आप हर टू फिफ्टी करोर के साथ हर टू फिफ्टी करोर के साथ

टू फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड टू जैसे टू फिफ्टी बढ़ाते रहेंगे मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम बढ़ता रहेगा टेन 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 से यानी एक रूल रहेगा हर एक एंकर इन्वेस्टर को मिनिमम करोड़ तो अलॉट करना ही है ये अलोकेशन से रिलेटेड रूल हो गया एंकर इन्वेस्टर खत्म नहीं होता फोकस करना पावर प्ले में सेकंड पॉइंट एंकर इन्वेस्टर को लेकर बहुत सारे पॉइंट आपको बताना चाहिए मैं इनको जमाई क्यों बुलाता हूं बिकॉज इनको कैसी स्पेशल स्पेशलिटी मिलता है देखना 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 बुक बिल्डिंग इशू के अंदर हो रहा है कैसा हो रहा है बुक बिल्डिंग इशू के अंदर अलॉटमेंट हो रहा है तो वेन वी वे टॉक अबाउट बुक बिल्डिंग इशू सब लोग बेड करते हैं फिर अलॉटमेंट होता है सुनो 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 क्या बोल है पहला पॉइंट बेड ओपन राइट इश्यू ऑफर भैया जी लिखो ना ये पेन ऐसे मत कर हाँ दी ऑफर पीरियड ओपनस वन डे राय फॉर एंकर इन्वेस्टर और याद आ रहा है ना बाकी सबके लिए अगर इशू ओपन हो रहा है टेंथ को तो एंकर इन्वेस्टर के लिए नाइन्थ को ओपन हो जाएगा एंकर इन्वेस्टर के लिए इश्यू एक दिन पहले ओपन होता है वाह नेक्स्ट पॉइंट शेयर्स आर अलॉटेड टू एंकर इन्वेस्टर ऑन द सेम डे ऑफ बिडिंग सबके लिए तो क्या होता है कि आप सब कर लो फिर आपका इश्यू का टेनियो खत्म हो जाएगा उसके बाद में अलॉटमेंट होगा ना बेस्ड ऑन ऑफ प्राइस नहीं एंकर इन्वेस्टर ने जिस दिन बिड किया दिन अलौट्मेंट. अलौट्मेंट तो एंकर हो जाएगा सर पर अलॉटमेंट किस प्राइस पे होगा और देखो देखो दीवाने हो जाओगे अलॉटमेंट टू तो एंकर इन्वेस्टर जिस अमाउंट पर बिड कर दिया एंकर इन्वेस्टर ने जिस अमाउंट पर बिड कर दिया उसको उसी अमाउंट पर अलॉटमेंट हो जाता है उरे भाई साहब तभी तो हम इसको जमा ही बोलते हैं एंकर इन्वेस्टर के लिए इश्यू ओपन होता है एक दिन पहले एंकर इन्वेस्टर के लिए इश्यू ओपन होता है एक दिन पहले ओके एंकर इन्वेस्टर को अलॉट कर दिया जाता है ऑन द सेम डे जिस दिन उसने बिड किया उस दिन अलॉट कर दिया जाता है और उसको अलॉट कर दिया जाता है एट द बिड प्राइस जितने पे उसने बिड किया उतने पे अलॉटमेंट जितने पे उसने बिड किया उतने पे अलॉटमेंट वाह उसके बाद में ठीक है लेकिन एक है इसके लिए क्या होता है इसको इसको थोड़ा सा लॉक इन है थर्टी डेज का बोले ठीक है ना कोई बात नहीं बोले यार थोड़ा सा लॉक इन है थर्टी डेज का

मजेदार पॉइंट अब आएगा कहा लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ सुना मेरी बात को अच्छे से अच्छा ये नोट्स एकदम हवले से काम कर रहे हैं चल मजेदार पॉइंट आएगा समझना है सिक्स पॉइंट के एंकर इन्वेस्टर को आपने अलॉट कर दिया है एट द बिड प्राइस ओनली नाउ एंड में कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट होगी सुनना एट द एंड इफ कट ऑफ प्राइस इज मोर देन बिड प्राइस मतलब समझ में आ रहा है कट ऑफ प्राइस आई है 250 किस सब इन्वेस्टर को कितने मिला 250 में और इसको दे दिया था 240 में एंकर इन्वेस्टर को दे दिया 240 में तो एंकर इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा एंकर इन्वेस्टर विल हैव टू ब्रिंग इन द एक्स्ट्रा मनी आई वो अंडरस्टैंड मान लीजिए एंकर वैसेमेंट हो गया टू थाउजेंड में और एंड में कट ऑफ आई टू थाउजेंड एंड फिफ्टी सबको टू थाउजेंड एंड फिफ्टी में मिला है। एंकर को टू थाउजेंड में मिल गया नहीं भैया नहीं एंकर को फिफ्टी रुपीज लाना हो तो एंकर को बिड प्राइस पर दे दिया था हमने एंकर को बिड प्राइस पर दिया था हमने लेकिन एंड में अगर कट ऑफ प्राइस कम आ गया है कट ऑफ प्राइस ज्यादा आ गया है कि कट ऑफ में बाकियों से ज्यादा ले रहे हैं तो एंकर इन्वेस्टर को रिमेनिंग पोर्शन देना पड़ेगा आई होप यू और वहीं वही, यार यार मतलब थोड़ा सा, थोड़ा सा बट अभी वो फूट फूट के नहीं रोया है रुको अभी वट इफ कट ऑफ प्राइस जो कट ऑफ प्राइस डिटरमिन हुई ना इफ दैट इज लेस देन

एक दिन पहले अरे भैया जी और अलॉटमेंट बिड अलॉटमेंट ऑन में पता चलता है, है तो रिमेनिंग पैसा लेकर आना है और मान लीजिए आपको ज्यादा मिल गया तो बाकियों को कम में हुआ है तो कुछ रिफंड मिलने वाला नहीं है कुछ रिफंड मिलने वाला नहीं है आई होप योर अंडरस्टैंडिंग आई होप चलिए ब्यूटिफुल पीपल

रिजर्वेशन का चाहिए रिजर्व होता है अब दिमाग में एक डाउट आएगा अब दिमाग में एक डाउट आएगा आपके कि सर एंकर इन्वेस्टर को जब पता है यह कहानी होती है मेरे साथ ये कहानी होती है मेरे साथ कि को पता है कि अगर मैंने बिड़ किया और मान लीजिए कट ऑफ प्राइस बाकी का अलॉटमेंट कम में हो गया

ट अलोकेशन टू एंक इन्वेस्टर शैल डिस्क्रिप्शन बेसिस कंपनी देखती है और कंपनी so, को प्रोडेटा करने की जरूरत नहीं है कंपनी अपॉइंट ऑन डिस्क्रिप्शनरी बेसिस पांच एंक इन्वेस्टर ने एप्लीकेशन दिया कंपनी दो को सिलेक्ट करके तीन को रिजेक्ट कर सकती है कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं है कंपनी मेक्स अलॉटमेंट टू एंका इन्वेस्टर ऑन डिस्क्रिप्शनरी बेसिस

सेम डे अलॉटमेंट हो जाता है फिर एक छोटा साइस इन्वेस्टर को मनी लाना पड़ेगा एंड इफ दट ऑफ प्राइस इज लेस एंकर कुछ भी रिफंड मिलेगा नहीं आई होप यू आर ऑल विट्स डू दैट थिंग विच वी लव दोस्ट ए स्टूडेंट जो चीज करने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो ये है कि जब भी आप कोई टॉपिक लिखते हैं कि ये सारे टॉपिक आज पढ़ने थे और उसमें जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाते हैं तो उसको जो टिक करने में जो आनंद आता है वो एक अलग लेवल का आनंद है चलिए परेशानी की बात नहीं हंड्रेड परसेंट फोकस यहाँ पे चलिए सुनना मेरी बात को ऐसा लोड मत लेना कभी भी कि सर यार ये तो हमारे चार टॉपिकार नहीं कराएंगे क्या आई है सारे टॉपिक चलाने वाले भले ही कुछ भी हो जाए हूं तो भले ही कुछ भी हो so, it, ना जस्ट स्टे इन मतलब क्लियर है कि मैं आपका किसी भी दिन टू आवर्स से तय है क्योंकि मैं शुरू से मेरे पॉइंट कि आपने प्रोफेशनल तो के, के कुछ लेक्चर शेड्यूल्ड है तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटअप करके और आपके लिए लूंगा हंड्रेड एंड स्टे डोंट वरी टू मच अबाउट इट ठीक है ना एकदम सिंपल करके बढ़ो मैंने बोला है, सब कराएगा मतलब क्रीम टॉपिक है एकदम लाइट नोट पे एंड आप समझो ना

जो जो टॉपिक्स एकदम जी जान से दिल में होता है ना आपको मैंने FCCB, ये देखो ये देखो ये कितने जल्दी खत्म होने वाले एफसी सीबी एफ सीबी ये बड़ा मजा आएगा आपको देखना 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 यहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे हंड्रेड परसेंट फोकस यहां पे चलो फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड अजी ये होते हैं वन मिनट टॉपिक न्यूज नहीं आती वहां पे मिनट मिनट टॉपिक टॉपिक वैसे ही है यहां पे आ जाओ यहां पे फॉरेन करेंसी बॉन्ड कभी भी अगर इंडियन कंपनी को इंडियन कंपनी है यहां पर सुना ध्यान से इंडियन कंपनी कहा इंडिया में है उनको बाहर फॉरेनर को अजी जॉन सीना को जॉन सीना को सुनना फोकस करना एक बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं एक बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं विच इज फोकस डिनोमिनेटेड विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी विच इज डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी जिसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल विल बी पेड इन फॉरन करेंसी अरे उस बॉन्ड का नाम क्या है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड तो ऑफकोर्स तो ना डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी तो इंडियन कंपनी ने इशू किया और बदले में आपने उसको बॉन्ड दिया बॉन्ड कैसा होता है कि उस पर इंटरेस्ट पे करते रहिए रिलायंस ने कहा जॉन को हम आपको एवरी ईयर टेन परसेंट का इंटरेस्ट पे करेंगे दिस इंटरेस्ट विल बी पेड इन व्हाट फॉरेन करेंसी और पांच साल बाद आपका पैसा वापस कर देंगे कैसे फॉरेन करेंसी सो द बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इन फॉरन नहीं सकते ना बिकॉज नाम क्या है करेंसी बॉन्ड अरे मैं सोनू मैं सोनू हूं क्या करूंगा घर के काम ही करूंगा ना मेरा नाम ही सोनू है तो क्या घर के काम ही करेंगे मेरा नाम छोटू है क्या करूंगा घर के काम करूं सब लोग टपली मार के जाएंगे अरे कुछ चीजें अपने नाम से समझ में आती है ना कुछ चीजें अपने नाम से समझ में आती है तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड मतलब क्या ये एक ऐसा बॉन्ड है ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट होगा राइट फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड रहेगा एंड साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेड इन फॉरन करेंसी ठीक है एंड फॉरन करेंसी हो गया कन्वर्टेबल मतलब वॉट इट विल बी कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ इशूंग कंपनी इशूंग कंपनी कौन सी यहां पे मान लो रिलायंस रिलायंस ने बॉन्ड्स इश्यू किए हैं तो रिलायंस के ये बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर ऑप्शनली कन्वर्टेबल होंगे तो जॉन सिन्हा डिसाइड करेगा फॉर एक्साम्पल टेन फाइव इत तो पांच साल बाद जॉन सिन्हा डिसाइड करेगा कि मुझे इन बॉन्ड्स के बदले रिलायंस के इक्विटी शेयर लेने हैं या फिर मुझे मेरा पैसा रिडीम कराना है सो दीज बॉन्ड्स आर ऑप्शनली कन्वर्टेबल दी होल्डर डिसाइड वेदर ही इंटेंड टू कन्वर्ट द बॉन्ड इंटू शेयर और ही इंटेंड्स टू ऑप्ट फॉर रिडम्पन सो दीज आर कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ इशुंग कंपनी

जो भी सीखा है वो सब मैं इस क्वेश्चन के आंसर में लिख दूंगा हर एक क्वेश्चन के आंसर में यही तो करते हैं कि वो क्वेश्चन को देखते हैं उसको देख के जो जो हमने आज तक बचपन से लेकर अभी तक देखा है अपने आस पड़ोस में आस पास जो भी कहीं देखा है पढ़ा है वो सब उस आंसर में लिख के आ जाते हैं वो भी लिख देगा फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड की एक ऐसा बॉन्ड है जो फॉरन करेंसी में होगा और ये कन्वर्ट होगा उसको पता नहीं होगा इक्विटी शेयर में होगा बट कन्वर्ट होगा तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर कोई गलती नहीं कर सकता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड बट मैं यहाँ पे लेके उन्होंने टॉपिक को सुना ध्यान से इसके अंदर इसका एक वेरिएशन आता है दैट इज फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड देखा होगा आपने फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कंसेप्ट रहेगा इंडियन कंपनी बॉन्ड इंडियन कंपनी बॉन्ड टू जॉन सीना मतलब फॉरन एंटिटी किसी फॉरनर को बॉन्ड इशू कर रहे हैं फॉरन करेंसी में तो फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड दिस इज ऑल्सो डिनोमिनेटेड इन फॉरन करेंसी इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इज पेड इन फॉरन करेंसी सुना ध्यान से दिस इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड बट कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर ऑफ इशूंग कंपनी की जगह क्या होगा कन्वर्टेबल की जगह आ जाएगा एक्सचेंजेबल इंटू इक्विटी शेयर ऑफ इशूंग कंपनी की जगह हो जाएगा अनदर कंपनी समझना बहुत अच्छे से क्या डिफरेंस है फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉरन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड सेम फोर पॉइंट सिर्फ एक डिफरेंस हो जाएगा जैसे कि फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स वर कन्वर्टेबल इंटू इक्विटी शेयर यहां पर हो जाएगा एक्सचेंजेबल इंटू इक्विटी शेयर इंटू इक्विटी शेयर कंपनी सर क्या होगा सुनना एग्जाम्पल के साथ समझो रिलायंस ने आज बॉन्ड इश्यू किए जो पांच साल बाद होल्डर को ऑप्शन देगा कि भैया जी पांच साल बाद आप या तो रिडम्शन करा लेना या आप रिलायंस के शेयर्स ले लेना फॉरेन करेंसी कन्वर्टेलब बॉन्ड

फॉरेन करंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉरेन करंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बस इतना सा है, another, uh, company, उसकी जगह एक्सचेंजेबल इंटू इक्विटी शेयर तो अगर आज मान लीजिए रिलायंस ने बॉन्ड इश्यू किए जॉन सिन्हा को बोला पांच साल बाद या तो रिडम्शन कर लेना या फिर पिरामिल के शेयर ऑफर कर रहा हूँ पिरामिड लिमिटेड के शेयर से वो लेना ले तो डिसाइड करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड आई होप यू आर अंडरस्टैंड आई होप यूर अंडरस्टैंड बहुत आसान टॉपिक हो गया कोई परेशानी की बात नहीं है हमने कुछ बड़े बड़े टॉपिक हिट कर लिए थे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड क्या खुशी मिल रही है राइट right? एक और टॉपिक आज लूंगा दैट इज आइडिया तो आइडिया वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर द डे हंड्रेड परसेंट फोकस करना आइडिया खत्म करते हैं एकदम लाइट एड नोट पे रहो ठीक है चलिए के पहले पहले आपको थोड़ा जीडीआर पढ़ा देता हूं GDR के बाद आईडीआर पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन स्क्रीन ग्लोबल गेस रिसीड इज हंड्रेड परसेंट ये इंडियन कंपनी है कोई भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं लेता हूं। वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर आई एल यहां पर कोई फॉरेन के शेयर होल्डर मान लीजिए इसका नाम है केन इसका नाम है ब्रॉक और इसका नाम क्या रखूम मैं जेफ ठीक है केन ब्रोकर जेफ ये तीन फॉरेन इन्वेस्टर्स है सुना दीस पीपल इंटेंड टू इन्वेस्ट इन दिस रिलायंस का शेयर इनको रिलायंस का शेयर खरीद इनको क्या है कि मैं रिलायंस का शेयर खरीद लूंगा तो अच्छा रिलायंस के शेयर में बहुत ताकत है शेयर इज गोइंग टू बी मैग्निफाइड रिलायंस का शेयर बहुत बढ़ने वाला है बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई वॉन्ट बाय शेयर ऑफ रिलायंस दिस पीपल वॉन्ट टू बाय शेयर ऑफ रिलायंस ठीक है नाउ अंडरस्टैंड बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया ना

और साथ में रिलायंस भी दुखी हुआ बिकॉज रिलायंस को भी तो कुछ पैसे मिल सकते थे जो नहीं मिले और इनको इन्वेस्टमेंट करने का पोटेंशियल नहीं मिला राइट right? तो इसके लिए एक सल्यूशन लाया गया फोकस करना अच्छे से रिलायंस ने क्या किया ये जिस भी कंट्री के सिटीजन है उस कंट्री में एक डिपॉजिटरी बैंक से बात की डिपॉजिटरी बैंक सुनना ये इंडिया के बाहर है तो इसको नाम दे रहा हूं ओवरसीज डिपोजिटरी बैंक अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली सो नाउ रिलायंस इश्यूज द शेयर्स

उन शेयर कस्टडी दे दी कस्टोडियन को ओके एवरीथिंग इज फाइन कहीं कोई वॉयलेशन नहीं है बट सर अभी भी केन ब्रॉक और जेफ तो दुखी है ना सुना मेरी बात को क्या हुआ ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ने बुलाया केन को बोले केन सुनो ना ये लो ले जाओ सुना 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 ये लो ले जाओ ये बोल के उन्होंने ऐसा एक पैकेट केन की तरफ रखा केन बोला ये क्या है ये क्या है ये क्या है सुनना ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक बोला यू वांटेड टू इन्वेस्ट इन रिलायंस ना ये डिपॉजिटरी रिसीट है रिलायंस की ये डिपॉजिटरी रिसीट है रिलायंस की इसके अंदर रिलायंस का शेयर है इसके अंदर रिलायंस का शेयर है लेकिन रिलायंस का शेयर आपके नाम पे नहीं कर सकते क्योंकि रिलायंस का शेयर अगर आपके नाम पे करना होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर तो आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है सो यू बाय द शेयर इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट टुमारो रिलायंस का शेयर इज 2000 डिपॉजिटरी रिसीट का प्राइस भी 2000 है शेयर का प्राइस बढ़कर टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो गया डिपोजिटी रिसीट का भी मुझे इन्वेस्ट करना ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ने इन सबको इश्यू कर दिए डिपोजिटरी रिसीट ऑफ रिलायंस डिपॉजिटरी रिसीट ऑफ रिलायंस इन सबको इशू कर दिए ठीक है इन डिपॉजिट रिसीट को कहा जाता है ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट्स ताकि इन लोगों का इन्वेस्टमेंट भी हो जाए इंडिया में और उनको रजिस्ट्रेशन भी ना करना पड़े ये दो लोगों की मस्ती के कारण हुआ ये पूरा जो जीडीआर का कंसेप्ट आया ना

कि इनकी कंट्री में जाके शेयर्स इन्वेस्ट करें फॉरेन कंपनीज को भी तो मस्ती होगी कि इंडियन कंपनीज में आके शेयर्स इन्वेस्ट करें और जैसे केन ब्रॉक और जेफ को मस्ती थी इंडियन कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की वैसे ही हमारे यहां पे राम मोहन सोहन को मस्ती होगी ना दूसरी कंट्री के शेयर्स में इन्वेस्ट करने की समझ में आ रहा है सो जी डी का एग्जैक्टली exactly ऑपोजिट होता है आईडीआर अब यहां पे क्या हुआ यहां पे इंडिया में हमारे पास में है रमेश सुरेश और प्रकाश रमेश सुरेश और प्रकाश इनको मस्ती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक कंपनी है कंपनी है कंपनी है कंपनी कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करा उनको इनको मैं कंपनी में कौन सी एप्पल में इन्वेस्ट करा देता

शेयर्स अलॉट कर देगा एंड नाउ ये डिपॉजिटरी रमेश सुरेश और प्रकाश को क्या दे देगी डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑफ एप्पल डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑफ एप्पल डिपॉजिटरी रिसीट्स ऑफ एप्पल दीज डिपॉजिटरी रिसीट्स आर टर्म डी आर सो व्हेन एन इंडियन इन्वेस्टर व्हेन एन इंडियन इन्वेस्टर इज गेटिंग इन्वेस्टर इज गेटिंग दिपोजिटिव रिसीड विचार विचार द शेयर इन्हें कहा जाता है आईडिया में एक रूल है तो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे आईडियाड भी होंगे आई होप यूरस्टैंड ऑफ जी डी आर एंड आइडिया एक्सैक्टली जीडीआर बहुत पॉपुलर है आइडिया इतने पॉपुलर नहीं है एक ही कंपनी है जिसका आइडिया मैंने आज तक सुना है

इन्वेस्टर फॉरेन के आईडीआर में क्या होता है कंपनी फॉरेन की है इन्वेस्टर इंडिया के राइट तो आईडीआर में क्या हुआ एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया के डिपोजिटरी को शेयर दिए और उस डिपोजिटरी बैंक को शेयर्स दिए और उस डिपोजिटरी बैंक ने इंडियन इन्वेस्टर्स को उसके बिहाफ पे आईडिया आइडिया इंडिया में कंपलसरीलीस्टेड होते हैं तो इंडिया में बैठा बैठा एक व्यक्ति आईडीआर के फॉर्म में फॉरिन कंपनी के शेयर्स के अप्रिसिएशन का बेनिफिट उठा सकता है

यही तो मैंने आपको बताया कि आज तक इंडिया में सिर्फ स्टैंडर्ड चार्टेड पीएलसी का आइडिया था किसी का आइडिया आया नहीं है इसलिए पॉपुलर नहीं है तभी मैं पहले जीडीआर पढ़ाता हूँ जीडीआर ज़्यादा पॉपुलर जीडीआर प्रैक्टिकली होता की बहुत सारी है, बाहर बाहर पर बहुत है। एक ही कंपनी बताया मुझको जिसने इंडिया में आईडी इशू इश्यू किया बट आई होप के मेरे कहने से आपके दिल तक आईडी का कंसेप्ट पहुंच चुका है चलिए छोड़ूंगा नहीं

स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड सिस्टमैटिकली इंपॉर्टें एनबीएफसी वरफुल हो गया क्या बात है पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है तालिया बजाओ खुद के लिए दूसरा है, बहुत इन्वेस्ट किया हमने फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर समयगरी वन कैटेगरी कैटेगरी वन में पांच पॉइंट है पहला पॉइंट क्या होता है गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट रिलेटेड इन्वेस्टर्स दूसरा पॉइंट आ गया पेंशन फंड एंड यूनिवर्सिटी फंड तीसरा फंड हो गया अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड अब ध्यान रखना पहले में इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस कंपनी बैंक उसके अलावा एमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजर इन्वेस्टमेंट एडवाइसर एंड पोर्टफोलियो मैनेजर उसके अलावा ब्रोकर कौन सा ब्रोकर डीलर स्वैप डीलर बहुत ही बढ़िया फिर आ गया हमारा फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट में तीन पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट में दो पॉइंट है फोर्थ पॉइंट के जो तीन पॉइंट है उनको भी कैटेगरी वन मिल जाएगा एफपीआई का मेंबरशिप

फंड्स विच आर नॉट अप्रोप्रिएटली रेगुलेटेड बट जिनका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज अ कैटेगरी वन एफ क्लियर एकदम आराम से और थर्ड हो गया यूनिवर्सिटी रिलेटेड अंडाउमेंट फिफ्थ पॉइंट के अंदर हमने क्या पढ़ा दो एंटिटीज एंटिटीज जिनका इन्वेस्टमेंट मैनेजर इज कैटेगरी वन एफ कैटेगरी वन एफ पी और सेकंड इज एंटिटीज इन विच सेवेंटी फाइव परसेंट मोर शेयर पॉइंट टू और

बहुत बढ़िया ये बिड करेगा उसी दिन अलॉटमेंट बिड प्राइस पे अलॉटमेंट इस लॉक इन होता है डेज का फिर हमने पढ़ा कि अगर इसको अलॉटमेंट हो गया है कट ऑफ आँ, प्राइस से कम में तो इसको पैसा लाना पड़ेगा और अलॉटमेंट हो गया इसको कट ऑफ से ज्यादा में तो कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा और यहां पर अलकेशन होता है कैसा डिस्क्रिशनरी बेसिस पे और इसके अंदर हमने पढ़ा पढ़ाफाइड बैर का जो पोर्शन है 60 एंकर को मिल सकता है और एंकर का वन थर्ड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के लिए रिजर्व रहता है बोलो वाह

This Indian investor intends to buy equity share of a foreign company, but he cannot buy because of the regulation of that country. And that is why that foreign company issues equity shares to Indian depository. And this Indian depository issues Indian depository receipts to Indian investor. And these IDRs have to be mandatory listed in India. And in India, up till now, only standard chartered PLC is the company which has issued IDRs. I hope you are all with me. I hope you're all with me. I hope you're all with me.

एक बात समझिएगा आप अच्छे से ठीक है ना मैं वापस इस बात पे फोकस कर रहा हूं बेटा जी कि एक बच्चे को जो चीज पास या फील कराती है मैं भी कह रहा हूं with, in, मेरा पूरे दिल से मैं से बात कर रहा हूं एक बालक को जो चीज पास और फील्ड में डिफरेंस कराएगी दैट इज गोइंग टू बी योर सेल्फ स्टडी तो जी जान से पढ़ो उसमें बिल्कुल कमी मत करो दी एंटायर पर्पज इसके मस्जिद मिलने आ रहा है ठीक है ना आ रहा है कल तो आ ही रहा है मैं ठीक है उसके बाद मेरा कुछ शेड्यूल है तो मैं कुछ ना कुछ प्लान करेगा आपके लिए लेकिन आप ये चीज ध्यान रखो कि मैं

और उसके अलावा मैंने बताया जिसकी मैं आई कम सेपरेटली लाइव टू टू टॉक यू इंस्टाग्राम लाइव और जो इंस्टाग्राम बंद कर चुके हैं इंस्टाग्राम बंद रहने दो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने बंद नहीं किया वो भी बंद कर लो ठीक है इंस्टाग्राम लाइव पर आके मैं कोई बहुत ज्यादा पति की बात नहीं करता हूं जो पते की बात करनी हो मैं यहाँ पे, पे आके आपको पढ़ा के ओके सो जस्ट जी जान से पढ़ो यार खूब खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो ऑल ऑफ माई बेस्ट यू एंड बस खूब खूब पढ़ो खूब आगे बढ़ो बिल्कुल रुकना नहीं है हमको ओके थैंक यू सो मच फॉर यू लाव पंडे बैठ जाओ यार आई सी विल टुमारो बाय बाय Yes, Avisha, of course. Okay? Don't worry. Bye-bye.